अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एक और न्यू वीडियो के साथ जो कि होम मेड टिप पे ही है। तो ये स्किन को वाइटनिंग की तरफ, जितनी स्किन डल हुई है उसको वाइटनिंग की तरफ लेके जाने वाली एक टिप है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें हमारी वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये होम मेड टिप है, जितनी भी ज़्यादा गर्मी की वजह से, अनहेल्दी पोल्यूशन की वजह से, धूप में आने जाने से, या बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करने की वजह से कलर बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो जाता है, डेड स्किन सेल्स जो हैं वो हो जाते हैं, तो एक ऐसी सिंपल सी जो है होम मेड टिप है, अगर इसको कर लिया जाए डेली बेस पे तो बाद में जो है इसका कलर जो है आपका वाइटनिंग की तरफ जाएगा। बहुत सिंपल सी किचन की ही चीज़ें हैं, एक तो बेसन है, दही है और एलोवेरा जेल है। तो इसमें बेसन और दही का एक एक चम्मच और एलोवेरा जेल मिक्स करके अपने फेस पे डेली लगाना है। अगर एलोवेरा जेल नहीं भी है तो आप ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके फेस पे लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है ये नॉर्मल स्किन या जो है ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है, लेकिन ये मास्क जो है ड्राई स्किन वालों की स्किन और ड्राई कर सकता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा आपने ब्लाई मिक्स करनी है और फिर उसको मिक्स करके लगा लेंगे तो फिर ड्राई स्किन वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मास्क जो है ऑयली स्किन के लिए तो बहुत बेस्ट है। इसको फेस पे लगा के, फेस पे लगाने के बाद 15 मिनट के बाद इसको धो लें और स्टार्ट में इसको डेली लगाएं और उसके बाद हफ्ते में दो दफ़ा, और जब कलर आप बेटर टोन पे आ जाता है तो उसके बाद इसको हफ्ते में एक दफ़ा भी कर सकते हैं। और ये लगाने से स्किन जो है बहुत हेल्दी और कलर जो है ब्राइटर हो जाएगा। बेसन में ऐसी खसूसियात होती हैं जो कलर को फेयर नस की तरफ लेके जाती हैं, और एलोवेरा जेल जो है वो स्किन को स्मूथ करता है, शाइनिंग करता है, जितनी भी सन टैनिंग है उसको ख़त्म करेगा, और दही जो है ये स्किन को बहुत हेल्दी करता है। तो ये सिंपल सी जो है इस रेमेडी को यूज़ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।